अस्सलाम वालेकुम। मैं एक ऊबर और करीम वाले ड्राइवर के साथ बैठा हुआ हूँ और इसकी कुछ बातें इनसे पूछ रहा हूँ कि कैसा चल रहा है इनका काम और क्या हिसाब किताब है। सर, सबसे पहले तो आप बताएं आपका नाम क्या है। मेरा नाम है सैयद हैदर अली। सैयद हैदर अली साहब, आप बताएं आपका काम कैसा था, कैसा चल रहा है। आप पहले एक साल काम कर चुके हैं सुना है करीम में, तो करीम में आपसे आपने स्विच क्यों किया? एक्चुअली मैंने लास्ट रमज़ान से शुरू किया था। अच्छा, ठीक है। और बहुत अच्छा काम था। सही है, ठीक है। जो हम टाइम देते थे उस टाइम से हमें पेमेंट भी उतनी मिल जाती थी। ठीक है, अच्छी अर्निंग हो रही थी। अब मैं बेसिकली एज अ ड्राइवर कर रहा था, कैप्टन। ठीक है, तो मैंने आगे वेंडर को भी पे करना होता था सारा कुछ करके, तो अच्छा मैं भी बचा लेता था और वेंडर भी खुश थे। ठीक है। अच्छा, लेकिन अब जिस तरह करीम के प्रमोशंस डाउन होते जा रहे हैं, कस्टमर को बड़ी अच्छी सहूलत दे रहे हैं करीम वाले, ठीक सही है। लेकिन जैसे जैसे मतलब हमारे लिए, कैप्टन्स के लिए और वेंडर्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। सुना है कि कैप्टन बोनस जो है वो करीम वालों ने ख़त्म कर दिया। कैप्टन बोनस बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और वेंडर बोनस भी जस्ट 5,000 रुपये तक रह गया है। ठीक है। अच्छा, वो भी 18,000 की टफ टारगेट के बाद। 18,000 वीक में, 18,000 रुपये वीक में 18,000, ठीक है। और वो भी ब्लैक अमाउंट। ब्लैक अमाउंट तो ब्लैक ये अमाउंट, तो बहुत मुश्किल है। ये हाँ, तो ये बहुत मुश्किल है। ठीक है। अब कहने का मसला ये है भाई कि आप कस्टमर को तो सारी सहूलतें प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप ड्राइवर्स और कैप्टन्स के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हो। अच्छा, तो फिर आपने इसको स्विच किया, ऊबर पे आए हैं आप? मैं अब ऊबर पे स्विच हो गया हूँ। ठीक है। अच्छा जी, तो करीम से बेहतर है ऊबर आप? मेरी नज़र में चलो जो भी है, लेकिन कम से कम उनसे अच्छे फेयर बन रहे हैं। इनका 3 दिन बाद बोनस होता है, उसका एक हफ्ते बाद बोनस होता है, इसके 2 बोनस बनाओ फिर तो 7-8 हज़ार बन जाता है। अच्छा, इसका क्या हिसाब है उबर का, क्या वो होता है बोनस, इसका क्या वो है ऊबर का? एक तो जो इनकी पेमेंट है ना, वो हमें जाके पे नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली अपने कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। और क्योंकि इसका करीम वालों का तो लिखा आ जाता है नीचे और वो ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, उसकी वजह से भी हमें परेशानी बन रही है। अब सीन ये होता है कि एक हफ्ते का टारगेट होता है बोनस करने का 18,000 का। ठीक है, ठीक है। अब उसमें ये आपके नाना करते भी अगर ब्लॉक हो जाते हैं ना हम, तो हमारे 2 दिन जाया हो जाते हैं। अच्छा। ये बोलते हैं जनाब आप 24 घंटे में आप एक्टिव होंगे दोबारा, और वो 48 घंटे लग जाते हैं और हम एक्टिव नहीं होते, और जो हमारा बोनस बनने का चांस होता है, जो हमने मेहनत की होती है पूरे हफ्ते, वो जाया हो जाती है। अच्छा, तो ये होता है, तो ये कैप्टन को जलील किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। हाँ, ये तो इसके साथ तो इस तरह नहीं चल सकता करीम। सही। तो आप अभी कितना अर्सा हो गया आप उबर चला रहे हैं? मुझे ऊबर का तकरीबन 1.5 महीना हो गया मैं ऊबर चला रहा हूँ करीम। मैंने बाय बाय टाटा। अच्छा, सही है। तंग आ गया। वाकई में वो तो ऑब्वियसली जो सुबह निकलता है तो वो तो कमाने के लिए निकलता है। उसके बाद गाड़ी ठेके पे ली हुई है, ठीक है, मुझे 25-30 हज़ार पे करना होता है। उसके बाद गाड़ी की मेंटेनेंस है, गाड़ी चल रही है रोड के ऊपर, ठीक है, किलोमीटर जाया हो रहे हैं। सही है। तो सारा कुछ करने के बाद, ठीक है, तो मुझे क्या बच रहा है? अच्छा, दिन की आपकी गाड़ी कितनी चल जाती होगी? यार दिन की मेरी 250-300 किलोमीटर लाजमी चल रही है गाड़ी। 250-300 किलोमीटर लाजमी चल रही है। और साल 1.5 बाद इंजन फारिग हो जाएगा। हाँ, ठीक है, जो कमाया वो सारा इस पे लगाया। ठीक है। अच्छा, करीम को तो ये बात नहीं समझ आ रही। दूसरी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। अच्छा, ठीक है। करीम वाले आपको बोलते हैं हम आपसे 25% ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली ऐसा है कि करीम वाले आपसे 50% चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, वो किस तरह? वो किस तरह? ठीक है, बिल फर्ज आप मेरे साथ बैठे, ठीक है, आप गए, आपको मैंने एक जगह उतारा, 200 रुपये बिल बना, ठीक है, ठीक है, करीम ने अपने 50 रुपये चार्ज कर लिए। आसान लफ्जों में बता रहा हूँ, सही है, करीम ने अपने 50 रुपये चार्ज कर लिए, ठीक है। अब मेरा 100 रुपये का पेट्रोल तो लगा होगा ना जिस दिन मैं आपको छोड़ने जा रहा हूँ। हाँ, ज्यादा ही, थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही लगा होगा। ठीक है, ठीक है। अब मुझे क्या बचा? 50। ठीक है, तो करीम अपना 50 ले गया। करीम की पेट्रोल में कोई शेयरिंग नहीं है हमारे साथ। अच्छा, इनका सुना था कोई कार्ड शार्ड आया है करीम वालों का, वो कुछ है चक्कर या नहीं? यार कितना डिस्काउंट दे देंगे ये? हाँ, सोचने वाली बात है, क्या डिस्काउंट देंगे? अच्छा, 50 रुपए, 100 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, इन डिस्काउंट से तो काम नहीं चलता। अच्छा, तो ये अभी तभी इसी वजह से आप उबर पे शिफ्ट हो गए? जाहिर बात है। हाँ, वो तो सही है। अब देखो ना, हम नमाज के, ना हम रोजे के, करीम के साथ हैं, ठीक है, तो नमाज के टाइम भी हमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, सवारी उठाओ और ये करो वो करो,
ठीक है, हम ऑफ करके जाते हैं. अब ऊपर में ये है कि भाई अपनी मर्जी है, राइड कैंसिल कर सकते हो आप, ऑप्शन है आपके पास कैंसिल करने का. कितनी राइड्स आप दिन की कर सकते हैं कैंसिल, जो भी अगर आप जो मूड हुआ. देखो आपके वो उससे ये होता है एक्सेप्शन रेट बेहतर रखना होता है, ठीक है, ताकि आपको राइड्स आती रहे. जब बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा तो फिर वो राइड्स आपको कम राइड्स कमाएंगे, ठीक है, उस हिसाब से आपने ऊबर में मेंटेन करना है अपने आप को. अच्छा, लेकिन करीम में इस तरह नहीं है. और दूसरा जो हमारे लड़के दो तीन जहां भाग हुए हैं, शहीद हुए हैं, ठीक है, उस वजह से जो करीम की वजह से काफी, वो करीम की वजह से हुआ है. उसका रीजन ये बना है कि भाई आपके पास कैंसिल ऑप्शन नहीं है. अगर आप एक जगह नहीं जाना चाह रहे, आपका मूड नहीं है, लेकिन आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आप उस बेचारे का वो भी है, आपने सवारी उठा रही है. एक्सेप्शन रेट की बात नहीं है, आपके पास कैंसिल ऑप्शन है ही नहीं. अच्छा, ऑप्शन है ही नहीं. मैंने सुना था कि दो कैंसिल कर सकते हैं. नहीं कर सकते आप कैंसिल, ठीक है. अच्छा, 10 मिनट आपको स्टे करना पड़ेगा उसकी लोकेशन पे पहुंच के, अराइव करने के बाद 10 मिनट आपको स्टे करना पड़ेगा, उसके बाद आप कैंसिल कर सकते हो. अच्छा, ठीक है. और अगर आप उससे पहले कैंसिल करते हो, ठीक है, तो आपको 1000 रुपए की पेनल्टी पड़ती है. अच्छा, वो अपनी उससे देना पड़ता है, ठीक है, जेब से देना पड़ता है. अच्छा, अब मुझे ये बताओ कैप्टन का क्या कसूर है, 12 से 14 घंटे वो काम करते हैं. और ये एक और बात, ये ऑनलाइन टाइम आपका नोट करते हैं कि भाई आप किस टाइम ऑनलाइन हुए और किस टाइम अपने ऑफलाइन हुए, ठीक है. 12 घंटे कहते हैं ना, 12 घंटे वो हमें कम से कम 14-15 घंटे देने पड़ते हैं वो कवर अप ट्रिप्स. जहरी बात है, हम सुबह निकले हैं, ठीक है, हमने आगे पीछे नाश्ता किया, हम तो घर से निकल गए, हमारा टाइम शुरू हो गया. अच्छा, लेकिन करीम कहता है कि हमारा टाइम तब शुरू है जब आप ऑनलाइन हो. सही. और ये उबर में क्या राइड्स क्या हिसाब है, कितनी राइड्स का? इसमें कोई राइड्स का ऑप्शन नहीं है, ठीक है. अपने राइड्स इसमें आपने करनी है, तकरीबन पहले 30 राइड्स का होता है टारगेट, 3 दिन में आपने कवर करना होता है. 3 दिन में 30, ठीक है, ठीक है. उसके बाद जब आपको देखते हैं कि बेहतरी आ गई आप में, तो फिर आपको 45 भी देते हैं राइड्स. अच्छा, 40 भी देते हैं और उसके ऊपर एक्स्ट्रा बोनस देते हैं 3 दिन में. हाँ, ठीक है. अच्छा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये इधर कैमरा करे जरा. अब ये अर्निंग है, ये मुझे टारगेट दिया हुआ इन्होंने, 2950 रुपये मुझे मिलेंगे. मैं अपने 19 ट्रिप और कम्प्लीट करूंगा, यानी कि 35 ट्रिप का टारगेट था ये, जिसमें से मैंने अभी 16 किए हैं और 19 रह गए. 19 रह गए, ठीक है. अच्छा, ये 19 कब तक करने हैं आप? ये वैसे मंडे तक करने थे. अच्छा, ठीक है, लेकिन मैंने बीच में छुट्टियां भी की हैं, इस वजह से मैं काम कर नहीं सका था. अच्छा, तो वो कोई इशू नहीं. बहरहाल, ठीक है, मैंने इसमें लास्ट ट्रिप में अपने प्रमोशन कैश तो किए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ. ओवरऑल यार ऊबर जो है थोड़ी सी बेहतर है, थोड़ी सी बेहतर है. अच्छा यार, इधर नेट की स्पीड स्लो है, इसको छोड़ दें, चलें, कोई नहीं, इसको बैक करते हैं. अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन है, ये देखिए, आपके आपने अपनी पसंद का ट्रिप ले सकते हैं, ठीक है. अब मैंने सुबह घर से निकलना है, मैंने बहरी डाउन जाना है, ठीक. अच्छा, है, तो मैं यहाँ पे ये मैं बहरी डाउन की लोकेशन डाल दूंगा इधर, ठीक है. अब मुझे बहरी डाउन की राइड मिलेगी, ठीक है. इसी तरह वापसी भी मैंने जब अपने घर जाना है तो मैंने घर की लोकेशन डाली हुई है, ठीक है. अच्छा, तो अब मुझे घर की लोकेशन पे मेरा ट्रिप मिल जाएगा सूटेबल. अच्छा, एक ट्रिप, दो ट्रिप. अच्छा, लेकिन मैंने ये भी सुना था कि ऊबर पे लोग शिफ्ट इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि दूर से बहुत राइडें आ रही थी. हाँ, तो वो आप कैंसिल कर सकते हो. अच्छा, वो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है. पहले क्योंकि स्विच नहीं कर पा रहे थे लोग, इसलिए क्योंकि यार मतलब बंदा यहाँ खड़ा है और राइड बहुत दूर से आ रही है. नहीं, अगर आपको सूट करती है, ठीक है, तो आप करो. अच्छा, अगर आपको सूट नहीं करती तो आप छोड़ दो राइड को. सही. ये गाड़ी आपने कौन सी, कल्टस है? कल्टस है, 2008 मॉडल है. अच्छा, और ये CNG पे? पेट्रोल पे है. पेट्रोल पे. अच्छा, तो ये पेट्रोल पे कितना कर रही है? पेट्रोल पे ये कर रही है, समझ लो 12-13 तक. हाँ, 12-13 तक करती होगी. तो ये हो जाता है आपका, निकल जाते प्रॉफिट? यार ये अल्लाह तवक्कुल चल रहा है. अच्छा, यकीन मानो इन दोनों ने तो कुछ नहीं छोड़ा हुआ, ना करीम ने ना उबर ने, दोनों से मैं उस तरह. क्योंकि पेट्रोल पे आपने रखी हुई गाड़ी और वो भी कल्टस. लोग तो आजकल वो जैपनीज ले रहे हैं. मतलब 15-16 भी करे, बिल्कुल ऐसी बात है. अच्छा, तो ये आपने गाड़ी खुद खरीदी या किसी ने दी हुई है? ठेके पे ली हुई है. ली हुई है. अच्छा, उसको कितना दे रहे हैं आप? उसको मैं फिलहाल दे रहा हूँ 20, पहले मैं दे रहा था 25. पच्चीस, अच्छा. तो अब डाउन किया है क्योंकि नहीं है काम नहीं है. तो 20 पे वो मान जाता है, ठीक है. यार मानता तो कोई नहीं है, पर मेंटेनेंस मेरी है, उसके बाद गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो 50-50 है. हाँ, वो सारी कंडीशन है उसके बाद. अच्छा, तो आपको कितने दे रहा है वो? नहीं मतलब
20 मैंने उसको पे कर दिया। हाँ, ठीक है सही बाकी ऊपर जितनी मैं अर्निंग कर सकूँ अपनी। अच्छा सही है, तो आप कितनी तक ऊपर कितनी अर्निंग कर लेते हैं आप उसके ऊपर? यार 12 से 14 घंटे करने के बाद हाँ 20 से 25 हजार निकाल लो। निकाल लेते हैं आप? ठीक है, ये कोई गुड अमाउंट नहीं है। अच्छा, आजकल के दौर में सही है, सही है। कम से कम 35 प्लस हो तो फिर हाँ बात बनती है। इससे कम तो कोई भी नहीं, जाहिर बात है घर के खर्चात होते हैं। अच्छा, ये अगर 20-25 निकाल लें आप, हाँ, उसमें से ऑयल चेंज वगैरह वो सब कौन करता है? वो सारा कुछ मैं करता हूँ। आप करते हैं? हाँ। तो तकरीबन आपके पास कैश जो आया है वो मतलब सारा अखराजात में अपने निकाल के 25 मैं कर लेता हूँ, निकाल लेता हूँ, कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप प्रेफर क्या करते हैं, ये गाड़ी जो है कौन सी कल्टस होनी चाहिए या जैसे मैंने रखी हुई ऐसे ये गाड़ी? यार ना जापानीज के स्पेयर पार्ट्स बहुत महंगे हैं। अच्छा ठीक है, इधर मिल भी नहीं रहे हैं। लेकिन पेट्रोल तो फिर आपके किस तरह होगा? पेट्रोल ठीक है, लेकिन सीएनजी लग सकती है। सीएनजी लग सकती है, हाँ सही है। मतलब जिसको सूट नहीं करती वो सीएनजी लगवा ले, अपनी गाड़ी है तो सीएनजी लगवा ले। अच्छा, आपको वारा करेगी। लेकिन बात ये करीम वगैरह को कुछ सोचना पड़ेगा कि करीम ने अपना स्टैंडर्ड अब खुद गिरा रहा है। कस्टमर की नजर में बेशक वो बहुत अच्छा है। ठीक है, उस दिन मुझे एक कॉल आई करीम से, ठीक है, और मैं बड़ा खुश कि चलो आज करीम वालों ने मुझे कॉल की है। अच्छा, तो पता लगा वो करीम ने मुझे एज अ कस्टमर कॉल की है कि मैं जब उनका करीम खुद यूज करता हूँ ना मैं एज अ कस्टमर, तो उस हवाले से उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर आप हमारे कस्टमर हैं तो आपने इतने अर्से से राइड क्यों नहीं ली, क्या बात है? मैंने कहा मैं खुद कैप्टन हूँ। ठीक है, तो मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, इतना गुस्सा आया कि यार कभी एज अ कैप्टन मुझे कॉल नहीं कर सकते ये, लेकिन ये मुझे एज अ कस्टमर जरूर कॉल कर रहे हैं। हाँ ये भी है। अब ये बताएं कि आप उबर में शुरू में कितना आप कमा लेते थे पहले? यार पहले तो मैं उबर नहीं चलाता, करीम चलाता। करीम में आपने मैक्सिमम कितना कमाया? यार मैक्सिमम मैंने जो आपके आपको मिला है, जो मुझे मिला है ना, ठीक है, हाँ, 45 मैंने मंथली महीने का निकाला अपना जाती। ठीक है, उसका वेंडर का निकालने के बाद वेंडर को मैंने 70 कमा के दिया। सही। ठीक है, अच्छा, अब वो एक टाइम, ठीक है, और आज का टाइम, मतलब आज 55 भी पूरा नहीं हो रहा। सही, करीम पे, करीम पे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर साहब, आपसे फिर होगी बात इंशाल्लाह, कहीं मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।